यूहन्ना की पहली पत्री तीसरा अध्याय। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है, वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालको, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह इसमें और यह उसमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है।